रामनवमी की शोभा यात्रा के मद्देनजर मस्जिदों को सफेद चादरों से ढक दिया गया है। ये तस्वीरें हैदराबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में भव्य रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। भाजपा के निलंबित विधायक टी राजा सिंह, जो कि अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, उनके नेतृत्व में रैली निकाली जाती है। और भाजपा विधायक टी राजा सिंह आज शहर में श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य सफल बनाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे में किसी भी तरीके का कोई उत्पात ना मचे, इसके लिए पूरे मस्जिदों को, जहां जहां से शोभा यात्रा गुजरने वाली है, तमाम मस्जिदों को सफेद चादरों से ढक दिया गया है। और पिछले अगस्त में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक शो के जवाब में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद विधायक का ये पहला जुलूस होगा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक वीडियो में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हैदराबाद में मुसलमानों के बीच भारी संख्या होने के बाद भाजपा ने राजा सिंह को निलंबित कर दिया। वीडियो ने शहर को सांप्रदायिक दंगे के कगार पर ला दिया था और फिलहाल इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए पुलिस पूरी तरह से टी राजा सिंह पर नजर बनाए हुए रखी है। और पुलिस सुरक्षा के बीच, पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच इस रैली को निकाला जाएगा। राजा सिंह नियमित रूप से हैदराबाद और तेलंगाना के बाहर दक्षिण पंथी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, ताकि उनकी गति को बनाए रखा जा सके, क्योंकि राज्य के चुनाव करीब आ रहे हैं। और यह तस्वीरें हैदराबाद की।